मोगा पुलिस ने नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर को 1 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। एसपीडी अजय राज सिंह ने बताया कि पंजाब के सीएम और डीजीपी के आदेश अनुसार अब पंजाब में नशा तस्करी को रोकने के लिए चेकिंग की जा रही है। इसी कड़ी में सीआईए स्टाफ मोगा की ओर से गांव समालसर से नाकेबंदी की गई थी। चेकिंग के दौरान तस्कर के कब्जे से अफीम बरामद की गई। एसपीडी अजय राज सिंह ने बताया कि आरोपी को मानयोग अदालत में पेश किया जाएगा और रिमांड पर लेकर जांच की जाएगी। बिल्कुल जी, मानयोग सीएम साहब पंजाब ते मानयोग डीजीपी साहब वालों जिहड़ियां नशे दे खिलाफ डेली दी डेली नवीं नवीं हदायतां दित्तियां जांदियां उसकी लड़ीवार दे विच मानयोग एसएसपी साहब मोगा वालों खास दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जिहड़े बंदे एनडीपीए सैक्टर का काम करते हैं वो सलाखां पिछे होने चाहिए ने माड़े बंदे। उसकी लड़ीवार दे विच सीए वन वालों तो पी एस समालसर नूं नाल लैके कल एक पी एस समालसर दे विच एफआईआर नंबर 96 दर्ज की है जी। उसदे विच 1 किलो अफीम की रिकवरी हुई आ मुखबर खास की इतलाह दे उत्ते। उस दे विच एक दोषी नूं असीं तजिंदर सिंह सानू जोगिंदर सिंह समाल साहब का रहन वाला जिन्हों अरैसट किया है जी। उसके बैकवर्ड लिंक के कुछ बंदे नॉमीनेट असं कर रहे हैं नवें जितों वो लैके आया से अगे फरदर उन्होंने किनू देनी सी और ड्यूरिंग इनवैसटीगेशन साडा पार्ट आ जी। असं तुहानू उहदा बारे भी जल्द जाणू करा दवांगे। पंजाब दे नशा तस्करां नूं की मैसेज देना चाहोगे? असीं उन्हां नूं मैसेज देना चाहुंदे हां कि सरकार दीआं ते डीजीपी साहब वालों जिहड़ियां हदायतां ने